हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल एजुकेशन लीन। लास्ट वीडियो में हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने किया था। आज दो छोटी छोटी टर्म्स के बारे में हमें करना है, उसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो जो टर्म्स हैं वो एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक दूसरी टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों का मतलब क्या है, क्या इनका फॉर्मूला है और क्या हम कहना चाहते हैं वो हम अभी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे निकलेगा और क्या इसका कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कंसीडर करो, आपके पास एक बॉडी है, एक मास है, टोटल मास जिसका एम है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मासेस हैं। कंसीडर कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे M1, M2, M3, मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन मासेस कंसीडर करे हैं। ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे, M, N तक होंगे, ठीक है, N नंबर ऑफ मासेस होंगे। जब ये रोटेट करेगी, जब आपकी बॉडी रोटेट करेगी तो उसका हर एक पॉइंट रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, ये जो स्केल है ये मैंने कंसीडर कर लिया, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मासेस होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जिनका सबका मासेस क्या होगा, M1, M2, M3। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ जो सारे पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट करेंगे, कैसे भी रोटेट कर लो इसको, ठीक है। अगर ये बॉडी मूव करेगी तो सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये ओ पॉइंट के अराउंड जो है आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है। कंसीडर करो ये आपका ओ पॉइंट है, तो इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसी के अराउंड रोटेट कर रहा है। ये तो अभी जैसे नॉर्मल स्केल है, लेकिन ये आपकी कैसे भी अभी इरेगुलर बॉडी हो सकती है, ठीक है। ओ के अराउंड मूव कर रहा है, तो कंसीडर करो ये जो मास है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जो M2 है वो इधर जाएगा और M3 इधर जाएगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी V1, इसका जो डिस्टेंस है मास M1 का डिस्टेंस है जो सेंटर से वो क्या है R1, सिमिलरली डिस्टेंस M2 तक R2, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है V2, सिमिलरली M3 V3 इस वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है और डिस्टेंस है R3। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये नॉर्मल वेलोसिटी है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वी और ओमेगा के बीच में जो जनरल रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल वेलोसिटी, ये आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कहां से, जहां पे भी आपका मास है या जहां से भी आपने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ये आगे भी आपका काम आएगा। जिस तरीके से पी इज इक्वल टू MV है, ठीक है, वी की जगह अगर रोटेशन मोशन है हमारा तो वी की जगह हो जाएगा आर ओमेगा, तो मेरा मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, MR ओमेगा हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, हम आगे देखेंगे कैसे करना है। चलिए स्टार्टिंग में अब कैसे हम स्टार्ट करेंगे और क्या अभी तक जो मैंने बोला है वो कैसे लिखेंगे वो हम अभी देखते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी क्या होगी वो हम इसके बाद में देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हमें इनिशियली क्या लिखना है नोट्स के लिए वो देख लेते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करो रोटेटिंग विद इन अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है जो कि है ओमेगा, अबाउट एन एक्सिस ओ, इस ओ एक्सिस के राउंड अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर ये ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी, पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल जो है बॉडी का पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, एक पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। तो अगर हर पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर पार्टिकल में कोई वेलोसिटी है और हर पार्टिकल की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। इन सब काइनेटिक एनर्जीज का सम क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन,
comma, where sum total being equal to kinetic energy of a rotating body as a whole. तो यही statement पे based अब हम क्या consider कर, हम क्या निकालेंगे, एक mathematical expression निकालेंगे कि हमारा mathematical expression क्या होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं mathematical expression. तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए. कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m1, मैंने फिलहाल एक मास m1 कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस r1, जो r1 डिस्टेंस पे है कहां से, इस ओरिजिन o से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये o हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. लेट v1 बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पे m1 जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, v1. Therefore, kinetic energy of the particle क्या हो जाएगा, आपने normally आपने formula पढ़ा है kinetic energy is equal to half mv square. तो one particle के लिए क्या हो जाएगा, half m1 v1 square. v1 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे relate होगा angular velocity से. v1 is equal to r1 omega. omega जो है वो common angular velocity है सबकी, इसलिए यहाँ पे 1 या 2 नहीं आएगा. ठीक है, r1 आपका किसका डिस्टेंस हो गया सेंटर से, मास m1 का हो गया. वैल्यूज पुट करके काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ m1 r1 ओमेगा होल स्क्वायर. तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल के लिए आ गया. सिमिलरली फॉर पार्टिकल 2 ऑफ मास m2, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर और हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही आपका सब पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा mn पार्टिकल्स तक. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैसे रिलेट करेगा. तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉडी इज गिवन बाय हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश जितने भी पार्टिकल्स हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. अब याद करो पिछले वीडियो में जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो क्या वो इसी तरह का फॉर्म नहीं था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन mr ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे i भी लगा सकते हैं इंडेसेस जैसे कि मैंने पहले लगाया था. तो mr स्क्वायर मतलब हर पार्टिकल का मास और डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये मेरी क्या कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, आई से. तो हाफ ये समेशन आप mr स्क्वायर आपका आप हो गया मोमेंट ऑफ इनर्जी, आई ये ओमेगा स्क्वायर. हेंस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये आपका रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर आपको एक और डेफिनेशन बनानी है या एक और डेफिनेशन देनी है तो आप क्या बना सकते हो, कंसीडर करो इस वाले फॉर्मूले में, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, आई बाय 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के, कब, जब आपका एंगुलर वेलोसिटी 1 होता है. तो आप इस तरीके की डेफिनेशन भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. तो ये जो सारा था ये आपका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो हम करेंगे जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा या एक जनरल टॉपिक भी है जो कि है रेडियस ऑफ गायरेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन को समझिए पहले क्या होता है. अभी आपने किया कि डिफरेंट मासेस आपने कंसिडर किए जिसका हर एक का डिस्टेंस क्या था, एक्सेस ऑफ रोटेशन से अलग अलग था, r1, r2, ठीक है, r3 एंड सो ऑन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन में जो आपका डिस्टेंस होता है, जो r होता है, वो बेसिकली वहां से होता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस मास से होता है. अगर कंसीडर कर लो आपका जो सारा मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका डिस्टेंस जो है एक्सेस से के या आर या कुछ भी है तो वो आपका इफेक्टिव है. ठीक है, आप कैसे समझेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आपका
रेडियल डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास तक। अगर आपका सेंटर ऑफ मास है, अगर कहीं ना कहीं तो आपका सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये स्केल है, इसका स्केल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इसके सेंटर में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस करूंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कंसीडर करो, ये तो स्केल है, ये यूनिफॉर्म है। अगर ये एक इररेगुलर बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है और एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां है, तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? रेडियल डिस्टेंस होगा, जिसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, और जो डिनोट किससे होगा? कैपिटल के से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस, कोई भी बॉडी जो कैपेबल है किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए, इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रेडियल डिस्टेंस, इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर उस पूरी बॉडी का जो मास है उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दे या इकट्ठा हो जाए, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो चेंज नहीं होगा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया शैल रिमेन अनचेंज्ड। दिस रेडियल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द गिवन एक्सिस। इस डिस्टेंस को, इस रेडियल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द गिवन एक्सिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। ठीक है, तो एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m व्हिच कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। एक बॉडी कंसीडर करिए जिसका टोटल मास क्या है? कैपिटल n। ठीक है, और उसमें पार्टिकल्स कितने हैं? हमने n पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए हैं। ईच ऑफ मास स्मॉल n, सबका मास जो है वो हमने इक्वल कंसीडर कर लिया है, कितना? स्मॉल n। सिचुएटेड एट डिस्टेंसेज आर वन आर टू डैशेस आर एन, मतलब हर जो मासेज है, एन मासेज है, सबका मास क्या है? इक्वल, स्मॉल एन, लेकिन डिस्टेंसेज क्या होंगे सबके? डिफरेंट होंगे, आर वन आर टू से लेके आर एन तक। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस नाउ इज गिवन बाय एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर। अगर अलग अलग मासेज होते तो हम यहाँ पे क्या करते? एम वन आर टू, बट अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? इक्वल मासेज, तो एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस डैश एम आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एम कॉमन ले लिया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डैश आर एन स्क्वायर, एम इन टू एन, अब मैंने एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो एम इन टू एन है, मतलब छोटे छोटे मासेस थे मेरे, मैंने वो कंसिडर किए थे, कितने? एन। अगर मैं एन से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल मास आ जाएगा, और टोटल मास मेरा क्या है? कैपिटल एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई इज इक्वल टू कैपिटल एम, स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लो। इफ के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था आपका? इफेक्टिव रेडियल डिस्टेंस, तो वो होगा किसके लिए? टोटल मास के लिए होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, रेडियल डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। इसको मार्क करो इक्वेशन टू। अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, वन और टू को, तो आपको क्या कंपेयर कर सकते हो? के जो है वो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन वाली टर्म हो गई है, के स्क्वायर है ये, सॉरी दिस इज के स्क्वायर, तो के मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में सेम टर्म। अब ये आपका आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म, अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप ये लिख कर आएंगे, और अगर उसको डिफाइन करना आता है, अगर मान लो 4-5 मार्क्स में है तो आप पूरा लिख कर आएंगे। के जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होती है? कोई भी डिस्टेंस है उसकी मीटर होती है। आर स्क्वायर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये तो आपका सिर्फ एक नंबर है, एन जो है वो सिर्फ एक नंबर है, मीटर स्क्वायर फिर से उसका रूट है, तो रूट होके क्या हो जाएगा? सिर्फ मीटर। तो हमारी एसआई यूनिट के की क्या आ गई है? मीटर एन। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दो स्मॉल टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके,
और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे थ्योरम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जनरल थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देखें, समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।